Chuta everybody, today I'm going to cook fish in this bamboo, or the ingredients required are fish, chili, tomato, onion and coriander and little bit of water. आज का ये जो कुकिंग होगा ये ऑयललेस कुकिंग होगा. सारा फिश और ऑल दिस इंग्रेडिएंट्स बस इस बैम्बू में जाएगा और इसका हम चूल्हा में रखेंगे और ये पक जाएगा. हमारे डिमासा कम्युनिटी में ऐसे खाने वाले टेक्निक को हम बेरेंगजिमा बोलते हैं. बेरेंगजिमा बेसिकली बैम्बू में ही होता है. आप भी बताइएगा, आप भी अपने कम्युनिटी में कैसे खाते हैं, इसको क्या बोलते हैं और क्या क्या खाते हैं इसमें. इसमें हम लोग पिछली बार हम बाहर पिकनिक में गए थे तो हमने बहुत सारा चीज़ बैम्बू में ही बनाया था, कुछ भी ऑयल लेके नहीं गए थे. वैसा भी एक वीडियो हम बना सकते हैं इन योर फ्यूचर. चलो लेट्स स्टार्ट कुकिंग. चिली को मैंने बीच में थोड़ा सा ऐसे स्लाइस कर रखा है और प्याज को भी. और हम अभी फिश को डाल देंगे और अब इसमें थोड़ा सा लहसुन डाल देंगे, चिली, प्याज टमाटो और अब इसमें डाल देंगे धनिया. नमक और अब हम इसमें पानी डाल देंगे. बस अभी हमने आग भी शुरू कर दिया है और इसको बस साइड में हम ऐसा रख देंगे, वो धीरे धीरे स्लो कुक हो जाएगा. बट उसके लिए हमने एक ढक्कन बनाया है ये बनाना लीव से फोल्ड करके, तो इससे हम. और अब हम इसको ऐसे रख देंगे इस साइड. सो ये है मेरा चम्मच, वेरी सस्टेनेबल चम्मच. तो ये पक ही गया है, मुझे भूख भी लग गया है बिकॉज वी ईट वेरी अर्ली डिनर. तो अब 5 बज गया है और ये पक गया है. थोड़ी देर में इसको हम अंदर लेके आ जाएंगे. तो ये चम्मच को उल्टा करके रख देंगे. तो अभी हमने ये चूल्हा से निकाल दिया है तो अभी हम इसको बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे. तो हमें पता था कि बैम्बू के अंदर थोड़ा कुछ और रह गया है, वी कांट लीव दैट. सो तो कैसे स्कूप करेंगे. ये है, थोड़ा सा रह गया था, इसको हमने स्कूप कर लिया. चलो ये कुछ गिर गया है, इसको निकाल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम. नमक ठीक है, मिर्ची थोड़ा ज़्यादा है बट हमारे घर पे सब मिर्ची खाने पसंद करने वाले लोग ज़्यादा हैं तो सही है, बहुत टेस्ट है. आप भी ट्राई कीजिएगा. See you in the next episode and do follow my page for more recipes. Bye-bye.